एनआईएस ने सभी शिक्षकों के लिए स्टडी सेंटर को अलॉटमेंट कर दिए गए। क्या है स्टडी सेंटर, इस चीज़ को जानने के लिए वीडियो को जरूर देखिए अंतिम तक, क्योंकि बहुत सारे जो है लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि हमारा स्टडी सेंटर कब अलॉटमेंट होंगे। बहुत सारे लोग जो है कमेंट करके पूछ रहे थे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि यह वीडियो आप सभी के ब्रिज कोर्स को लेके है। ब्रिज कोर्स उन कैंडिडेटों को करने होते हैं जो कि बीएड कर चुके हैं, और उनके लिए 6 महीना का जो है गवर्नमेंट ने जो है 6 महीना के लिए कोर्स करने के लिए बोले गए थे। उसी बात को लेकर यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी इस वीडियो को जरूर अंतिम तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको कुछ खास बताने वाले कि आप अपना स्टडी सेंटर को तुरंत ही क्विक एंड फास्ट कैसे आप जान सकते हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं ब्रिज कोर्स के वेबसाइट पर, आपको बताते हैं कि आपको किस प्रकार से अपने स्टडी सेंटर को, आपको अलॉटमेंट जो किए गए उसको किस प्रकार से आप जानेंगे। उसके साथ साथ यह भी जानेंगे कि उसका प्रिंट आउट आप करवा के जरूर एक बार अपने पास रख लें। इसके साथ साथ कोऑर्डिनेटर से किस प्रकार से हम बात कर सकते हैं, कोऑर्डिनेटर से किस प्रकार से ईमेल में चैटिंग कर सकते हैं, सब सारे बात की जानकारी हम इस वीडियो में आपको बताने वाले। वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखिए। जैसे कि हम लोग जो है एनआईएस का जो ब्रिज कोर्स है उसके वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखे हैं 6 मंथ ब्रिज कोर्स फॉर बीएड टीचर्स। जो बीएड टीचर्स हैं उसके लिए 6 महीना का यह कोर्स करने होते हैं। इससे क्या होते हैं कि उन सारे सारे टीचर्स के लिए क्वालिफाइड हो जाते हैं वो किसी भी स्कूल में पढ़ाने के लिए। तो जैसे कि सबसे पहला अगर हम लोग बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर आप अपना आईडी कार्ड डाउनलोड नहीं किए तो इस लिंक पर आप आके अपना आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर अपना ईमेल और पासवर्ड डालकर यहाँ पर लॉगिन भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आप ईमेल पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहाँ पर आप आईडी पासवर्ड से यहाँ से आप कर सकते हैं। रेफरेंस नंबर, डेट ऑफ बर्थ, इनरोलमेंट नंबर और नाम डाल के सर्च यहाँ पर कर सकते हैं। आप अपना आईडी कार्ड को जो इस प्रकार से करके भी आप प्राप्त की जा सकते हैं। तो हम तो बात करने वाले हैं कि आपका स्टडी सेंटर पर किस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं। तो सबसे आसान सा तरीका, आप यहाँ पर जाना है बीएड टीचर्स के सेक्शन पर। जैसे बीएड टीचर्स के सेक्शन पर आते हैं वैसे ही आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तीसरा नंबर के पॉइंट पर, यहाँ पर साफ साफ जो है लिखे हैं टू नो द अलॉटमेंट अलॉटेड स्टडी सेंटर। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर जो अपना रेफरेंस नंबर क्या होता है, कहाँ पर प्राप्त होगा, जब आप ब्रिज कोर्स का जो आईडी कार्ड लोड किए होंगे वहाँ पर आपका रेफरेंस नंबर होंगे। तो रेफरेंस नंबर में वहां पर डालते ही आपको जैसे सबमिट बटन क्लिक करते हैं वैसे आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आप यहां पर जो है आप अपना अपना स्टडी सेंटर को अलॉटमेंट कर किए हुए जो स्टडी सेंटर उसको आप किस प्रकार से विजिट कर सकते हैं, किस प्रकार से देख सकते हैं। वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिए। जैसे कि मैं अपना यहां पर रेफरेंस नंबर डाल चुकी हूं। रेफरेंस नंबर आप डालते हैं वैसे जैसे ही सबमिट करते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से एक पेज खुलते हैं। यहाँ पर आपको साफ साफ लिखे एनएसडीएलएड पीडीपीईटी ब्रिज कोर्स डिटेल्स। तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपना रेफरेंस नंबर यहाँ पर देख पाएंगे। यहाँ पर सिक्योरिटी रीजन के कारण इसको जो ढक दिए गए हैं, और इसमें जो है आप देख पा रहे हैं सबसे पहले आपका रेफरेंस नंबर होंगे, उसके बाद आपका इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर मिलेंगे, उसके बाद नाम यहाँ पर, पिताजी का नाम यहाँ पर, माता जी का यहाँ पर नाम, और स्टडी सेंटर का कोड यहाँ पर आपको दिखा देंगे, और स्टडी सेंटर का नाम यहाँ पर दिखा देंगे, और स्टडी सेंटर का एड्रेस यहाँ पर, और कोऑर्डिनेटर का यहाँ पर नाम, कोऑर्डिनेटर का मोबाइल नंबर, कोऑर्डिनेटर का आपका ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पर देंगे। इसके साथ साथ नीचे में दो आपको लिंक मिलेंगे, इस लिंक से आप जान सकते हैं क्या आपको स्टेट बाय स्टेट मतलब कब कब जो है आपका पीसीपी का क्लास को शेड्यूल किए गए। इसके साथ साथ यहाँ पर यह भी है कि आप पीसीपी जो है इफ स्टडी सेंटर नॉट फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन शेड्यूल्स, अगर आपको कोई भी अगर स्टडी सेंटर वाले कोई भी किसी भी प्रकार पीसीपी शेड्यूल नहीं किए गए या किए गए हैं तो इस पर आप जानकारी ले सकते हैं कि आपका जो पीसीपी कब से स्टार्ट होने वाला। तो दो लिंक यहाँ पर दिए गए, आप दो लिंक यहाँ पर क्लिक करके आप अपना डिटेल्स को जान सकते हैं। यहाँ पर सबसे खास और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह बताने वाले हैं कि आप यहां पर जरूर आप इसको चेक करें, और यहां पर यह जरूर देखें कि आपके जहां पर रहते हैं, आप जिस स्टेट में रहते हैं, जिस सिटी में रहते हैं, जिस ब्लॉक में रहते हैं, उस ब्लॉक से आपका जहां पर रहते हैं वहां से स्टडी सेंटर कितने दूर है, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्योंकि आप सभी को पता है जो उसके कैंडिडेट जो डीएलएड कर रहे थे उन लोगों का जो है डिस्टेंस जो है 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, इतना दूर दूर तक दे दी गई। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपका स्टडी सेंटर जो है कितने दूर है और कितने पास, हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। आई होप आप सभी को इस वीडियो को बहुत ही पसंद आए होंगे। पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दें एक बार। इसके साथ साथ ब्रिज कोर्स से लेकर या एन एस डीएलएड से लेकर किसी भी प्रकार का समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं कोई एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।